नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी पुलिस फोर्स और तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में पिछले वर्ष शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच में बड़ी हिंसा हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों की ओर से शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर रूट निर्धारित कर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। इस बार प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहा और कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा को संपन्न कराया गया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया था और शांतिपूर्वक शोभा यात्रा संपन्न कराई गई। वहीं हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने पर आभार जताया है। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।